हेलो भाइयों, मैं हूं अरमान और आज फिर अपने चैनल पर एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो अल्ट्रोज का टॉप वेरिएंट एक्सेड प्लस डुअल टोन। तो सबसे पहले सीखी से शुरुआत करते हैं। टाटा की सभी कार में, छोटी कार चाहे बड़ी, सब में सेम की मिलती है कीलेस एंट्री के लिए। लॉक अनलॉक इसको प्रेस करके रखेंगे तो आपकी कार के हेडलैम्प ऑन हो जाएंगे। हेडलैम्प में इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर मिलते हैं और नीचे अपने आपको फोग लैंप मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर आपको हेलोजन नहीं मिलते, कोई एलईडी वगैरह का सेटअप नहीं है इसके अंदर। इसमें आपको साथ में यहाँ पे क्रोम भी मिलता है जो इस हेड लैंप से शुरू होकर तीनों देंगे सर आगे दूसरे तक जाता है। सारा एक ग्लोस फिनिश में मिलता है, देखने में कार एक मस्कुलर हैचबैक लगती है। बहुत साफ गंदे रखे हैं। और साइड से बात करें तो इसमें टर्न इंडिकेटर ये फिर यहीं पर दे दिया फेंडर पे, बिल्कुल इतना बेकार भी नहीं लग रहा, लेकिन बेस वेरिएंट के अंदर आता है थोड़ा ओड लगता है देखने में। और टर्न इंडिकेटर यहाँ पे ओआरएम से भी दे देती है तो क्या जाता है इनका। ओआरएम से आपको एक ग्लोस ब्लैक ग्लोस फिनिश के साथ मिलते हैं विद क्रोम लाइनिंग। और इसके अलॉय व्हील के साइज़ की बात करें तो इसका अलॉय व्हील का साइज़ अपना 16 इंच के इसके अंदर आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं डायमंड कट। इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं और रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं। और ये आपको रूफ पूरी ब्लैक मिल जाती है, उसमें शार्क एंटीना वगैरह कुछ नहीं आता। यहाँ पर एक पैसेंजर जिससे आप अपनी कार को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। ऑटो फोल्ड लेवल ओआर भी उसके साथ आती है। अब इसके डोर से शुरुआत कर लेते हैं। तो इसमें चार स्पीकर, दो ट्विटर का आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है। यहाँ से आप अपने ओआर में उसको एडजस्ट कर सकते हैं और फोल्ड कर सकते हैं। ये चारों पावर विंडो है कंट्रोल अपने, और ये ग्रैब हैंडल, ये आपको कॉइन वगैरह नहीं रख सकते खाली नीचे तक। यहाँ पर बोतल होल्डर मिल जाता है आपको। कार देखने में रियलिटी में अंदर से बहुत प्रीमियम हैचबैक है ये अपने सेगमेंट की। जो इसकी ये फिनिशिंग है देखने में आपको बहुत बढ़िया लगेगी, मेटेलिक फिनिश दी गई है। और इसका अपना इग्निशन इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे है। ऐसी कुछ इसकी MID आती है, सेमी डिजिटल आती है, एनालॉग प्लस डिजिटल। और अब बात करते हैं इसमें आपको साथ में एम्बिएंट लाइट भी मिल जाती है। इसमें आप ब्लू कलर की आपको एम्बिएंट लाइट मिल जाती है आपको, अगर जज हो रही हो तो जस्टिस हो रही तो मैं दिखा देता हूँ। देखने में बहुत बढ़िया लगती है अपनी सेगमेंट के अंदर ऐसी कार जो ऑफर करती है आपको। और आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दिखा देता हूँ जो अभी वेरिएंट देख रहे हैं, डीजल वाला देख रहे हैं, अभी डीजल में है जो खड़ा है। टाटा लोगो बनाता है ये। इसके अंदर दो मोड आते हैं, अभी सिटी में, अभी स्पोर्ट्स मोड। अभी सिटी मोड में आगे और पावर और टॉर्क वगैरह दिखाती चलते वक्त। इसमें आपको यहाँ पे अपने सारे मीडिया जुड़े हुए कंट्रोल मिल जाते हैं, कहीं से आप अपनी वॉल्यूम कम म्यूट वगैरह कर सकते हैं। और इस साइड आपको अपना क्रूज कंट्रोल आ जाता है। और इसमें आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। और यहाँ पर अपनी स्पेसिंग मिल जाती है, इसमें कोई वायरलेस चार्जिंग वगैरह नहीं आती। AC की बात करें तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। और यहाँ पर 12 volt का चार्जिंग सॉकेट और USB के लिए पोर्ट। इसमें आपको एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिल जाता है, स्लाइडेबल, इसको खोल लें तो इसमें कुछ स्टोरेज नहीं मिलती आपको, कुछ इतना सामान नहीं आएगा। फिर यहाँ पे अपने 2 कप होल्डर और एंड ब्रेक। जो मेन मेरे को चीज़ पसंद टाटा की है ग्लोव बॉक्स, ये सॉफ्ट ओपनिंग के साथ आता है आपका, जिसमें आपको मैसिव स्टोरेज मिल जाती है, अंदर तक बहुत डीप है। और ये जो आपको ट्रे मिल रही है आपको टॉप वेरिएंट के अंदर ही मिलती है, मिड वेरिएंट के अंदर, बेस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगी। बेस वेरिएंट के अंदर आपको एक सिंगल ही मिलेगा। इसके अंदर हरमन का आपका म्यूजिक सिस्टम है और हरमन का ये अपना ये टच स्टीरियो है जिसका रिस्पांस बहुत बढ़िया है। यहाँ पर बात करें तो आपका कोई मिरर नहीं मिलता, ड्राइवर साइड सन वाइजर और पैसेंजर साइड सन वाइजर और मिरर मिलता है, लाइट नहीं मिलती। और इसके अंदर आपको LED कैबिन लाइट मिल जाती है, जिसका आयर मिरर है आपको डे नाइट एडजस्टेबल मिल जाता है, मैनुअली ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। जिसकी स्टीयरिंग है इसकी बात करें तो ये आपको टिल्ट एडजस्टेबल मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। सेमी शायद इसके अंदर ये सेमी लेदर आइड सीट कवर मिल जाते हैं, फैब्रिक से तो अच्छे हैं, देखने बहुत बढ़िया लगते हैं रियलिटी में सीट कवर। और अब बात करते हैं इसके रियर से। मैंने अपनी सीट पूरी पीछे कर दी, अरे पीछे जाके देखते क्या कुछ स्पेसिंग है इसके अंदर। रियर स्पेस चेक करते हैं, इस साइड से अंदर तो जाया नहीं जाएगा क्योंकि कार यहाँ पे मतलब थोड़ी
जगह पर खड़ी है। रियर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, मैं दिखा देता हूँ, और रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं। इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, अंदर नहीं जाया जाएगा कार के। और इसमें रियर में आपको हाई स्ट्रोक लैंप, रियर डिफोगर, रियर वाइपर ही मिल जाते हैं। इसके अंदर मैग्नेटिक बटन मिलता है इसको ओपन करने के लिए, फिर ये ओपन भी नहीं होगा पूरा, हो गया ओपन। बूट स्पेस आपको स्क्रीन पे शो ही हो रहा है कितने लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस आता है। और ये पार्सल ट्रे भी आती है, और ये रियर हेडरेस्ट। यहाँ से मैं आपको एक बार कैबिन का लुक दिखा देता हूँ, कितना ज़बरदस्त दिखता है कैबिन पीछे से भी। इसका आपको एक बार इंजन और दिखा देता हूँ मैं ओपन करके। इसके अंदर 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है। आपको इसके हेडलैम्प और वो तो बताना भूलिएगा, जो इसके हेडलैम्प ये भी ऑटोमेटिक मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे कर देंगे तो ऑटो पे हो जाएंगे। और वाइपर ये भी आपको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। बताऊँ इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन के अंदर भी आती है 1.2 लीटर का आता है, 1.5 लीटर का डीजल इंजन फोर सिलेंडर मिलता है आपको। एवरेज भी इसकी ठीक ठाक, आपको 20 प्लस की अगर आप हाईवे पे चलाएं तो 20 प्लस की एवरेज इजीली दे देती है। उसके प्राइस पॉइंट वगैरह की बात, शोरूम ये टॉप एंड वेरियंट का। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।